हे गाइस, व्हाट्स अप, कैसे हैं आप सभी लोग। गाइस, उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी लोगों को याद होगा कि लास्ट वाले एपिसोड में मैं अपने कसीनो को बचाने गया था, क्योंकि मेरे कसीनो पर पड़ गई थी रेड। मैंने अपने कसीनो को तो बचा लिया था, फिर मैंने आप सबसे कहा था कि मैं अपना कसीनो सेल कर दूँगा, लेकिन मैं अपना कसीनो सेल नहीं कर रहा। उसकी जगह मैं एक नई जगह बाय कर रहा हूँ, और नई जगह बाय करने के बाद फिर हम उस पर अपना नया कसीनो बनाएंगे। तो गाइस, आप सब लोग को पहले तो हैप्पी न्यू ईयर। गाइस, आप सब लोग कह रहे होंगे किसकी गाड़ी उठा के लाए। गाइस, ये मैंने आज ही नई गाड़ी खरीदी है, मलेग्रो। सो गाइस, चलते हैं उस जगह को, देखते हैं और देखते हैं कि उस जगह में क्या ऐसी चीज़ें हैं कि क्या हमें रिपेयर करवाना पड़ेगा या क्या। देखते हैं चल के उस जगह पे। गाइस, मैंने दूसरी सिटी से एक न्यू बाइक्स इंपोर्ट करवाई है। कौन कौन चाहता है कि मैं नेक्स्ट वीडियो में वो बाइक्स लाऊं? तो अगर आप सभी लोग चाहते हो कि मैं नई बाइक्स वो वीडियो में लाऊँ, तो एक लाइक तो बनता है। इस गाड़ी के लिए भी एक लाइक बन जाता है यार, कर देना प्लीज। तो चलते हैं उस जगह पे। गाइस, ये गाड़ी अभी तक लास वेगास में आई नहीं है, मैंने इसको बाहर मुल्क से इंपोर्ट करवाया है। मेलेग्रो नाम है इसका। और ये है गाइस, ये जगह वो है जिसकी मैं आप सभी लोगों से बात कर रहा था। यहाँ एक छोटा सा, एक आप लोग कह सकते हो छोटा सा छूट कसीनो तो नहीं, छोटा सा इंजॉयबल एक बार है, उसको हम इस पूरी बिल्डिंग में कन्वर्ट करेंगे कसीनो के लिए। वैसे आप लोग देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है। तो आइए गाइस, मैं आप लोगों को टूर करवा देता हूँ। गाइस, सबसे पहले हम लोग वहाँ से एंटर होते हैं, और एक बड़ी सी बिल्डिंग यहाँ पर है जो कि बनने वाली है, हमारा कसीनो बनने वाला है। और ये सामने एक डेकोरेशन के लिए ये चीज़ें हैं, और सामने कसीनो के स्टाफ के लिए रूम्स वगैरह हैं, और होटल भी हैं। होटल में ही रहेंगे वो लोग। ये यहाँ फाउंटेन है छोटा सा, और यहाँ से फिर एग्जिट हो जाती है। और यहाँ पर आप डिज़ाइन देख सकते हैं हॉर्स का। यहाँ चलते हैं, यहाँ भी एक छोटा सा फाउंटेन या एक स्टैचू कह सकते हैं आप लोग, वो है। और ये होटल है, और ये जो पैरामिड है ये भी हमारे इस जगह के अंडर आता है, ये पैरामिड। तो आइए मैं आप लोग को वहाँ ले चलता हूँ। और गाइस, इस जगह का एक छोटा सा स्विमिंग पूल भी है। ये जो हमारा वो है ना होटल, उसके लिए छोटा सा स्विमिंग पूल भी है, तो यहाँ के लोग एंजॉय कर सकते हैं। और ये बराबर में है हमारा पैरामिड, और सामने ही सार्स। आप लोग को याद तो होगा कि पिछली वीडियो में मैंने सार्स की एक ड्रग डील रोकी थी। ये है हमारा पैरामिड। तो गाइस, अभी मैं आप लोग को ले चलता हूँ जो छोटा सा बार है उसके अंदर। आइए चलते हैं। तो ये रहा, यहाँ से वो रास्ता जाता है, वो रही हमारी गाड़ी। कितनी खूबसूरत लग रही है। इसके लिए एक लाइक तो बनता है, जल्दी से जाओ लाइक का बटन दबा दो, और सब्सक्राइब यार, बहुत से लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया। 54% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, जिन्होंने जो वीडियोस देखते हैं। सब्सक्राइब का भी बटन दबा दो, बेल आइकन दबा दो। बहुत से लोगों की ये शिकायत होती है कि वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं आती। वीडियो की नोटिफिकेशन कैसे आएगी यार, जब तक बेल आइकन आप लोगों ने नहीं दबाया, जब तक सुझाओ बेल आइकन दबाओ। सो गाइस, ये रहा हमारा छोटा सा बार। गाइस, आप लोग एंट्रेंस में ही देख सकते हैं कैसी लाइटिंग हुई हुई है, झूमर लगे हैं, और सामने छोटा सा बार है, गेम सेंटर भी है इसमें, स्टैचू है, और ये हमारा बार है।
यहाँ गेम्स खेल सकते हैं, छोटा सा ही है, हम इसको बड़े कसिनो में तब्दील करेंगे। तो गाइस ये है हमारा कसिनो, और मेरे कसिनो में एक नई चेंज आया है। मैंने अपने कसिनो को रेनोवेट ही करवा दिया है, एक टाइप से कह सकते हैं, लाइटनिंग वगैरह लगवा दी और बहुत सी चीज़ें मैंने करवा दी है। गाइस गाड़ी देखो कितनी, इसकी कंट्रोलिंग भी बड़ी प्यारी है यार। सामने ही कसिनो, दो दो कसिनो जाएंगे, मजा आ जाएगा। नोट भी आएगी, नोट तो गाइस कसिनो की पार्किंग यहाँ है, तो यहाँ चलते हैं हम पार्क करने गाड़ी को। यहाँ हमने पार्क कर दी। गाइस गेट देखो कैसे खोलते हैं। ओए ओए ओए। यार गाइस इसके लिए तो एक लाइक बनता है यार, जाओ यार जल्दी से लाइक का बटन दबा दो। इस वीडियो में मैं एम 10 लाइक्स का कर रहा हूँ, तो जल्दी से जाओ लाइक का बटन दबाओ। सो गाइस ये देखो, आप लोगों को पिछले से ज़्यादा लाइट नज़र आ रही होगी, यहाँ झूमर लगवाए मैंने। और गाइस यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ शॉप्स भी आ चुकी हैं, और वहाँ वहाँ मेरा लॉकर है, वहाँ मैनेजर का भी रूम है। इसलिए कैसे गाइस आप लोग लाइटनिंग तो देख सकते हो। गाइस कसिनो कैसा बना दिया है, गाइस जो मेरा पुराना मैनेजर का रूम था, मेरा रूम असल में था नहीं, मैंने अपना रूम बनाया था सेकंड फ्लोर पर। तो मैंने अपना मैनेजर का जो रूम था वो मैंने अपना रूम बना लिया है, ये वाला मैनेजर को मैंने वहाँ एंट्रेंस पे जो मैंने बोला ना मैनेजर का रूम है, वहाँ मैनेजर को मैंने चेंज कर लिया गाइस। वो मैनेजर ने मुझे धोखा दे दिया था। इस सीईओ का रूम है, अच्छा सा तो लगना चाहिए, मैनेजर का तो अच्छा रूम थोड़ी देना चाहिए, धोखा दे देते। गाइस ये है स्टैचू यहाँ, और अब मैं आप लोगों को ले चलता हूँ अपनी नई नई चीज़ें दिखाने। तो गाइस आइए, सो यो गाइस बैक टू वीडियो। तो आइए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। गाइस मैंने ये नई तलवार बाय की है, तो कैसी लग रही है ये तलवार, इसके लिए भी एक लाइक बनता है यार। मैंने इसमें से ये गन भी बाय की है, और ये दो गन्स भी बाय की हैं, और मेरे पास एक बहुत अच्छी गन थी यही, तो मैंने यही रखी है। और AK-47 मेरे पास है, इसका नया वर्जन भी आया है, एक तो गोल्ड प्लेटेड है, एक M249 आई है, तो कौन चाहता है मैं वो लूँ। के भी आई है हैवी AR, ये भी M249 गोल्ड प्लेटेड, ये भी है और ये भी है, और ये नई AK-47 आई है, तो मैं कौन चाहता है ये मैं लूँ। तो जल्दी से बता दो यार, जल्दी से बताओ जल्दी से कमेंट सेक्शन में। बस इसमें से मेरे पास एक भी नहीं है, तो मैं ये लूँगा। मेरे पास स्नाइपर है, और ये है प्लेन्स की तरफ चलते हैं। प्लेन्स में मेरे पास एक भी नहीं है प्लेन, मैं भी लेना भी नहीं चाह रहा। हेलीकॉप्टर मेरे पास दो दो हैं, एक पुलिस वाला है, एक ये है। शिप्स में मेरे पास एक ये जेट सी है, एक सबमरीन है, और एक ये शिप है, मुझे और की ज़रूरत नहीं है, और की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने गोल्ड प्लेटेड शिप नहीं ली थी, बहुत महंगी पड़ी थी मुझे इस वजह से। और इस इन गाड़ियों में मेरे पास एक भी गाड़ी नहीं है। मैं गाइस ये वाली गाड़ी लेने का सोच रहा हूँ, $14,00,000 की है, तो कौन कौन चाहता है मैं ये लूँ, जल्दी से कमेंट करके बता दो। इसमें गाइस मेरे पास ये, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं है। एक लेमोजीन है, एक ये है वेपटाइल, और ये है मलैग्रो। तो गाइस ये मैंने अभी परचेस की थी, तो ये भी अच्छी है। और गाइस एक मेरे पास ये गाड़ी है ट्रक, उसमें ऑफ रोडिंग व्हीकल्स हैं, और ये ट्रक है। बाइक्स में चलते हैं गाइस, बाइक्स में एक मेरे पास ये बाइक है, एक ये है, एक ये है, और एक ये है। और एक स्पेशल बात ये है कि इस बाइक में मेरे पास गोल्ड वर्जन आया है, जो मैंने इंपोर्ट करवाया है बाहर मुल्क से, और यहाँ आपको नहीं मिलेगा। इसमें रेड भी आया है, पर्पल भी आया है, ये तो नॉर्मल है, और ये ब्लू भी आया है। तो कौन कौन चाहता है नेक्स्ट वीडियो में इसका रिव्यू करवाऊँ, तो जल्दी से बता दो।
सो गाइस चलते हैं कैसीनो से बाहर, तो आइए चलते हैं। सो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलता हूँ सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और गाइस आप सबको हैप्पी न्यू ईयर, इन्जॉय करें, न्यू ईयर पे धमाल मचा दें, पटाखे भरें, सब चीज़ें करें। अल्लाह हाफिज़।